गढ़वा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण जलापूर्ति पाइपलाइन योजना एक दशक से अधूरी पड़ी है। यहां ग्रामीण विभागीय उदासीनता का दंश झेलने को मजबूर है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गांव तक पानी पहुंचाने में विभाग नाकाम साबित हो रहा है। आखिर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यह योजना एक दशक से अधिक समय तक अधूरी क्यों पड़ी है? बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण इसका लाभ ले सकें। वहीं ग्रामीणों की माने तो वे आज भी इस उम्मीद में हैं कि कब ये योजना पूरी होगी और कब ग्रामीणों के घर तक पानी पहुंचेगा। जो है आया है लोगों तक, मतलब पहुंचे, पानी पहुंचे, उससे लोगों को लाभ हो। आखिर अभी तक बंद पड़ा है तो क्यों बंद पड़ा, क्या हमने? वो तो सरकार जाने के लिए बंद पड़ा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसको चालू किया जाए, मतलब जो बंद पड़ी है तो लोगों को लाभ मिले। तटपड़वा जलापूर्ति योजना जो है एक दशक से बंद कर अधूरा पड़ा हुआ है, और किस कारण से अधूरा है ये तो हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इसके प्रति सरकार और जिला प्रशासन का उदासीनता है या कमी कहिए, जिसके कारण लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा है और लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके ये काम अभी तक अधूरा है। सिर्फ हाथी की दांत साबित हुआ है दिखाने के लिए, बाकी लोगों को उम्मीद है कि शायद इससे पानी मिलता तो लोग लाभान्वित होते, ग्रामीण लोग। क्या होना चाहिए था, क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर इसको गंभीरतापूर्वक विचार करे और इसकी योजना का लाभ मिले ग्रामीणों को। वहीं ग्रामीण जलापूर्ति योजना में कुल 1,90,00,000 खर्च हुए हैं ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सके, लेकिन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार ने कहा है कि सभी जरूरतों की लिस्ट बनाकर सरकार और अधिकारी तक स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। जैसे ही आदेश आएगा इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। पचपड़वा जिला योजना चालू करके स्टैंड पोस्ट के माध्यम से उसके कवरेज एरिया में वाटर सप्लाई किया जा रहा था। बीच में उसका संचालन एक्चुअली बेड लूसी से करना था, नहीं हो पाया, इसलिए तो कालांतर में बंद हो गया। अब उसके लिए पुनः चालू करने के लिए हम लोग नल जल योजना के तहत रेट्रोफिटिंग के माध्यम से उसको फिर हम लोग चालू करके 350 घरों के लिए हम लोग इस्टीमेट भेजे हुए हैं। वो सेंक्शन में है, सेंक्शन होते ही योजना को पुनः चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि गढ़वा जिला में ये कोई नया ग्रामीण जलापूर्ति योजना नहीं है जो अधूरी है। इस तरह की कई योजनाएं अधूरी हैं जो चालू होने की बात जो रही हैं। कहीं न कहीं ये सरकार और जिला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।